Citylive, a platform to sharing your thoughts. क्रिसमस पर आमतौर पर बड़े होटल्स में सेलिब्रेशन होता है। राजधानी जयपुर में एक जगह की कमी थी जहां पूरा परिवार जाकर इस त्यौहार को एंजॉय कर सके। इसके लिए ब्राइट बिगनर्स ने यहां एक ख़ास तौर से कार्निवल का की शुरुआत की है, जिसका आयोजन होगा 25 दिसंबर को। क्या है कार्निवल, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह इसका उद्देश्य है और क्या क्या होगा, इसमें बात करेंगे और इसके जो फाउंडर हैं वो सारे हमारे साथ हैं, इनसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए ये कार्निवल क्या है और क्या कॉन्सेप्ट लेकर आप आए हैं? बेसिकली एक जगह चाहिए जहाँ 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पूरा फैमिली एक साथ जाके इंजॉय कर सके। इस कार्निवल में बच्चे एग्जिबिट कर रहे हैं, कम से कम 70 किड्स एग्जिबिट कर रहे हैं इसमें। तो बच्चा, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सब आके, बच्चों के लिए भी सब कुछ है, बड़ों के लिए लाइफस्टाइल एग्जिबिशन है और एक म्यूज़िक कॉम्पिटिशन है इवनिंग में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइड्स हैं, एक डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफी होगी, बॉक्स फोटोग्राफी जो जयपुर में पहली बार होगी। और RHA हमारे साथ एसोसिएटेड है। RHA बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता या जो हंगर से परेशान हैं, उनको खाना पहुंचाती हैं, लेट इट बी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। उनके टाइप्स हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों से। तो हमारा और वो लोग हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं ताकि हम और लोगों को बता सकें कि RHA क्या है और फूड ना वेस्ट करें। अच्छा, क्रिसमस पर इस तरह या तो स्कूल मनाते हैं या फिर होटल्स में, फैमिली के लिए जो यहाँ जयपुर के लोगों के लिए ये एक वैक्यूम था, एक जगह थी, आपने फिल करने की कोशिश की है हमारी पूरी। तो और बताइए क्या क्या होगा इसके अंदर? मतलब एक तो बच्चे खुद लगा रहे हैं, ये एक बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम बहुत बड़ा, कि वो आएँ खुद सीखें कि किस तरीके से प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्योंकि आजकल बच्चों को पैसे की वैल्यू ही नहीं है। तो वो हम एक बच्चों में सिखाना चाहते हैं और खाना भी ना वेस्ट करें, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मोटो है बच्चों को सिखाने का। म्यूज़िक कंपटीशन रखा है हमने बच्चों के लिए। तो क्या स्कूलों में तो एक साथ 8-8, 10-10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक बच्चे को मौका नहीं मिलता है स्टेज पर आने का। तो ये हम बच्चों को एक मौका देना चाहते हैं, उनके मम्मी पापा पूरी फैमिली आएँ वहाँ पर और एक दूसरे के साथ सब इंजॉय करें, ये हमारा मेन मोटो है। क्या इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या है, क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है? नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल एंट्रेंस फ़ी है और कुछ खास नहीं। और आप आकर के सारे एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ बच्चों से रखवाई है उसमें भी हम लोगों ने उन्हें बोला है 50-60 रुपये से ऊपर की एक्टिविटी नहीं हो, तो उस तरीके से बच्चे बस छोटा छोटे से ही कुछ सीखे, तो वो लोग अपने कुछ थोड़ा बहुत खाना बनाएंगे, कुछ लोग अपना आर्ट जो बनाए हैं वो अपना सेल करेंगे और कुछ लोग गेम्स खिलाएंगे। सो ये बच्चों की चीज़ें, बच्चों को जो पसंद आए उसी तरीके से कर रहे हैं, और ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन जैसा नहीं है। आप वेन्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस कार्निवल से जुड़कर? बच्चों, क्योंकि इसमें सब बच्चे जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, और ये हम चाहते हैं कि पूरी फैमिली इकट्ठी हो। मेन क्राइटेरिया है कि सब बच्चे सब अपने दादा दादी नाना नानी के साथ आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कार्निवल के रूप में सबसे बड़ा फैमिली कार्निवल रहेगा। तो 25 दिसंबर को B5 में ये कार्निवल का आयोजन होगा, जिसमें बच्चे और उनके साथ उनके माता पिता भाग ले सकते हैं। जयपुर में इस संस्था की ओर से ये अनूठा कार्यक्रम है, ये सफल होता है तो आगे और भी इस तरह के कार्यक्रम इनकी संस्था की ओर से लगातार आयोजित किए जाएंगे। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटीलाइव। Live, a platform to sharing your thoughts.